केवल आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी गुजरात का दौरा करने वाले हैं। मोदी 16 और 17 सितंबर को गुजरात जाएंगे, जहां वो अपनी मां से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरे में चीन के राष्ट्रपति भी गुजरात जाएंगे। इस पूरे दौरे पर राज्य की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से बात की हमारी संवाददाता गोपी खांगर ने। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल आयरन लेडी के तौर पर भी जानी जाती है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ साथ आनंदीबेन पटेल की सरकार के भी 100 दिन पूरे हुए। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आनंदीबेन पटेल। बहन, आज तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। 16 सितंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे, 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है, तो क्या एक तोहफा देंगे गुजरात बीजेपी उन्हें? सब तैयार हो रहा है कि 17 तारीख को नरेंद्र भाई का जन्मदिन है, तो उसको वही हम भेंट देंगे, क्योंकि नरेंद्र भाई कोई भेंट लेते नहीं है, और लेते हैं तो गवर्नमेंट में जमा करवाते हैं और उसका ऑक्शन होता है। बाद में जो पैसे आते हैं उनका यूज लड़कियों की शिक्षा के लिए होता है। मैंने भी वो ही काम शुरू किया है। मुझे भी जो भेंट मिलती है वो सरकार में जमा होती है, उसका ऑक्शन होगा और इसमें से जो रकम आएगी वो लड़कियों की शिक्षा के लिए यूज होगा। मतलब 17 तारीख को चीन के राष्ट्रपति भी गुजरात आ रहे हैं, तो क्या नरेंद्र भाई भी गुजरात आ रहे हैं उस दिन? खास करके उनका जन्मदिन है और पहली बार गुजरात आएंगे, वो आएंगे तो मैं मानती हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी 16 तारीख को आ रहे हैं, और जब पहली बार देश के वड़ा प्रधान बनकर गुजरात में आते हैं हमारे सबके लिए वो सौभाग्य की बात है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता बहुत ही भव्य स्वागत करने के लिए तैयार हो गए हैं, और बाद में जो एक दो कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं उस बाद में सोचेंगे। और दूसरे दिन नरेंद्र भाई का जन्मदिन तो है ही, लेकिन जब चीन के राष्ट्रपति आ रहे हैं ये गुजरात के लिए बड़ी बात है, क्योंकि सामान्यतः विश्व के जो राष्ट्रपति हो या वड़ा प्रधान हो वो कोई छोटे से राज्य में नहीं जाते हैं, लेकिन